date 23rd September 2020, class 7, subject maths, topic fractions and decimals, chapter 2, exercise 2.7. Date 23rd September 2020, class 7, subject maths, topic fractions and decimals, chapter 2, exercise 2.7. Date 23rd September 2020, class 7, subject maths, topic fractions and decimals, chapter 2, exercise 2.7. अब हम करेंगे exercise 2.7, कल हम करेंगे exercise 2.6, 2.6 तक करेंगे, आज हम करेंगे exercise 2.7, वो है division, वो multiplication था, अब जो आएगा वो होगा division. यह डिवीजन हम आप डिवाइड कैसे करेंगे डेसिमल्स का, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 0.4 डिवाइड 0.4 डिवाइड है, क्या आंसर आएगा इसका, आप उसे इसे डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड कर दो या कुछ एक में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हैं, तो मैं डिवाइड करेंगे जैसे कि हम 0.4 में, तो पहले 0 है इसमें डिवाइड नहीं होगा, 0 आ गया, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट वाले का टू हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2 डिवाइड करके आप ऐसे सोचा सकते हैं, जो सारे जैसे 0.35 में 5 से डिवाइड, इसका सेकंड पार्ट है 0.35 में डिवाइड करना है 5 से, आप कैसे डिवाइड करेंगे इसका आंसर, 5 से आपको डिवाइड करना है 0.35 में, पहले जो है डिवाइड नहीं होगा 0.35 एक आएगा नहीं होगा, आप एक ही डिजिट उठा सकते हैं, फिर डिवाइड होगा नहीं तो उसके नाम दूसरे डिजिट के लिए जीरो लगाना पड़ेगा 35, और 5 से फिर क्या हो जाएगा 35, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.07. इसको दूसरे तरह से टेबल करना चाहते हैं पॉइंट हटा के, जैसे 0.35 डिवाइड करना है 5 से, इसको ऐसे लिख दो 35/1, पॉइंट के लिए 1 उसके आगे लिख रहे हैं, डिग्री के लिख रहे हैं इसके नीचे 1, फिर आप ऐसे करेंगे 35/100 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है 5 से कट गया 7 पे, यह आ गया आपका 7/100, और डेड है तो दो छोटा पॉइंट लगाना है 0.07, तो ये मेथड आया है, ऐसे भी कर लो तो ये दूसरे तरह से भी आप कर सकते हैं। अब आ जाओ एक क्वेश्चन है, फाइव पार्ट 6/1 इसी का भी पार्ट है 6/1.2 डिवाइड में मैंने फोर से इसमें डिवाइड किया, जिसमें डिवाइड करना है 4 से, वो आप कैसे करेंगे, 4 से इसमें डिवाइड करना है 6/1.2 ऐसे, पहले इसमें 4 बन गया 2/5 हो गया, 4/6 = 24, 1/1 हो गया 4 + 8, 3 फिर 5, फिर इस 2 को यहाँ पे 8 में 30, तो इसका आंसर क्या आ गया 1.6, आप ऐसे डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं, आप वीडियो जो आपको मेथड सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 48/10
Question number 2. Question number 2 का first part है. डिवाइड हो गया. अगर मान लो इसमें एक और क्वेश्चन आ गया 3.97 डिवाइड 10, ये क्वेश्चन नंबर है 7 पार्ट, 3.97 इसी का 7 पार्ट है. डिवाइड में है 10. इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? ऐसे डिवाइड कर लो या पॉइंट घटा कर लो, वो आपकी मर्जी है. पहले पॉइंट घटा कर करते हैं 397 बाई 100 डिवाइड 10 बाई 1 इक्वल टू 397 बाई 100 मल्टीप्लाई 1 बाई 10 इक्वल टू हो जाएगा ये 397 बाई 1000 इक्वल टू हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 0.397. अब डिवाइड करते देखो, टेन से डिवाइड करना है 3.97 में, इसमें डिवाइड नहीं हुआ 0 आ गया, एक पॉइंट लगा देंगे 39 के 3 पे 3.97 फिर आ गया 9 पे 9780 फिर 7 पे तो एक ये आंसर आ गया. तो दोनों मेथड से आपको जो ठीक लगे डिवाइड करके या इसके पॉइंट को हटा करके लिख रहे, कैसे भी आप इसे कर सकते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर क्वेश्चन है 2.700 से डिवाइड. क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है, क्या फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट है 2.7 डिवाइड में 100. इसको आप कैसे करेंगे? 2.7 डिवाइड में 100 है, पॉइंट हटा कर सकते हो. पहले 27 बाई 10 डिवाइड 100 बाई 1, 27 बाई 10 मल्टीप्लाई 1 बाई 100, 27 बाई 1 1000. अब आप तीन छोटे जीरो लगाना है 0.027, ये इसका आंसर आएगा. आपको होना है तो डिवाइड करके करेंगे, डिवाइड
इसी ग्राफ में एक पार्ट आप देखेंगे, सिक्स पार्ट 98.53 डिवाइड बाय 100, सिक्स पार्ट है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड में 100, एक तो ऐसे सिंपल मेथड से 98.53/100 है, डिवाइड में 100/1 ये हो जाएगा 98.53/100 मल्टीप्लाई में 1/100 इक्वल टू में आ गया 9853/100। अब उनको छोटे पॉइंट लगाना है, 0.9853 इसका होगा आंसर। डिवाइड करके अगर आप करते हो तो 100 से डिवाइड कर दो, इसमें 98.53, पहले तो ये 100 से छोटा है 0.1, अब आ जाएगा 8.53 पे भी ये आंसर आ गया। तो इस तरह भी हम इसे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले एक क्वेश्चन देखो कि इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है वो 1000 से डिवाइड होता है, 4 में 1000 से डिवाइड करना है, 7.9 डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट 9 डिवाइड में 1000। इसके भी दो मेथड है, पहले पॉइंट हटा के कर लो 79/10 डिवाइड 1000/1, 79/10 मल्टीप्लाई 1/1000 इक्वल टू 1/40 इक्वल टू, उनको छोटे पॉइंट लगाना है, ये हो गया इसका आंसर। हम क्या करें, आप इंटर डिवाइड से करेंगे 7.9, पहले तो इसमें डिवाइड नहीं हो गया, तीन एक पॉइंट लगाएंगे तो तीन से छोटा ही है, एक जीरो बढ़ा देंगे, अभी भी छोटा है और जीरो, अब 7.10 फिर 9.10 1000 से डिवाइड वाले हैं, इस
इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप देखो, 128.9 फोर्थ पार्ट है, इसको आप कैसे करेंगे? दो मेथड है, तो पॉइंट हटा के 1289 पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए वन इस क्या के लिए भी देते हैं, डिवाइड 1000 बाय में 1289 10 मल्टीप्लाई 1 बाय 1000 बल्टू में आ जाएगा 1289 1 क्या है 40 और डिग्री छोटे पॉइंट लगा दो, एक तो ये आंसर हो गया, आप डिवाइड करके देख लोगे 1000 से 1289 पॉइंट 1289 1000 से 128 छोटा है, एक जीरो लगा दिए पॉइंट, आप 1 पे 1289 कैसे भी आपको तो दे दी है। अब आप सही क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें भी डिवाइड करना है, इसमें भी दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आप देखो, फाइव का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 7 डिवाइडेड बाय 3.5, इसको हम लिख सकते हैं 7/5 डिवाइड 10 7/1 मल्टीप्लाई 10/35, इससे आपका बोले 5 दिया गया, इसका आंसर आ जाएगा बिना हमसे डिवाइड करते देखेंगे, तो देखो डिवाइड करने के लिए इसकी इक्वल इसको लाना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, 7.0 डिवाइड 3.5, दोनों को इक्वल करके लंबी लाइन में दोनों के पॉइंट को हटा देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे 35 में 70 से, ये जाएगा 2 पे, यहाँ हो गया 70, ये हो गया 3, ऐसे में आंसर आ गया हमारा 2। अब देखो पाइप नंबर 7 का 7 पार्ट 76.5 0.15 देखो इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को हटा लेंगे 765 y में 10 डिवाइड में 15 y में 100, अब इसे मल्टीप्लाई करके प्लस देंगे ये वाले को 765 y 10 मल्टीप्लाई में 100 y में 15, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 से इसे आप पा सकते हो 51, इस तरह ये हमारा आ गया 500। दूसरे मेथड से करेंगे तो दूसरा मेथड 76.5 एक और जीरो लगाएंगे डिवाइड में 0.15, पॉइंट के बाद को डिग्री लिखना पड़ेगा, तो मैं 76.5 को डिवाइड में 15, अब आप 15 से इसमें डिवाइड करेंगे 76.5 को पहले 5 में 75 15 13 15 0 आ गया, तो 500 है, तो यह हो
है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी दो मेथड से आप कर सकते हैं, पॉइंट के साथ भी करा जा सकता है, पॉइंट को हटा के भी करा जा सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। व्हीकल कवर्स डिस्टेंस, व्हीकल्स किलोमीटर, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर। तो व्हीकल्स कवर डिस्टेंस इक्वल टू 18 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, 2.7 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस तरह इसके लिए जितने भी क्वेश्चन है 2.7 के मेंस 2.7 एक्सरसाइज है, उनके सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। वो एग्जांपल के क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन एग्जांपल के हो, एक्सरसाइज के हो, सभी आराम से आप कर सकते हैं अच्छी तरह। हर एक क्वेश्चन को आप सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छी तरह। 2.7 इस तरह कंप्लीट हो गया आपका, मेन सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें एग्जांपल भी है कई, टाइम की एवरेज, एवरेज का मतलब होता है डिवाइड, अगर तीन नंबर है ये है उसका एवरेज पूछा जाता है, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 नंबर है उनका एवरेज पूछा जाए तो चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज का मतलब यही होता है। कि जो कुछ आपको गिवन है, कितने बार गिवन है, सबको प्लस करके उतने से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इससे फाइंड हो जाएगा एक एवरेज, मैंने
तो एवरेज का मतलब ये है जितने भी फिगर दिए हैं सबको प्लस करना है और उतने ही नंबर से डिवाइड करना है, टोटल कितना फिगर है उससे। अगर थ्री फिगर है तो थ्री को प्लस करेंगे तीनों को और उसे थ्री से डिवाइड कर देंगे, एवरेज फाइंड हो जाएगा। तो एवरेज फाइंड करने के लिए ये करते हैं, बाकी ये डिवीजन के लिए आपके पास वन मेथड है, पॉइंट को हटा के भी आप कर सकते हो, पॉइंट के लिए वन, उसके बाद जितने भी थ्री चीजें होते हैं जीरो, लेकिन डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड के साथ वाला जो नंबर है उसे रेसिप्रोकल उसे प्लट कर लिखना पड़ेगा तब जाकर वो सही होगा। अगर आप प्लट के नहीं लिखते हैं तो उस पर गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन को। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन मिस्टेक हो बिल्कुल राइट हो तो उसका विशेष ध्यान रखना है, तो आपका ये क्वेश्चन राइट हो सकता है। अगर आप चेंज करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दीजिए, अब ये जैसे 24 बाय 10 है यहाँ पे अगर आपने मिस्टेक कर दिया इसको चेंज कर दिया तो क्वेश्चन हो गया गलत। तो क्वेश्चन को सही करने के लिए इसका विशेष ध्यान रखना है कि डिवाइड के साथ वाला जो नंबर है जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे लिखेंगे, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। इसे प्लट कर लिखेंगे, जब तक आप इसे प्लट कर नहीं लिखोगे आंसर अगर आप कोशिश करोगे सही करने के लिए तो नहीं होगा सही, गलत हो जाएगा। तो आंसर को सही करने के लिए सबसे पहले इसका ध्यान रखना है, अगर पॉइंट वाले को आपने चेंज कर दिया पॉइंट में, अगर इसको ला दिए मल्टीप्लाई करके इसको नहीं पलटोगे चेंज नहीं करोगे नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, तब तक ये आंसर आपका सही नहीं होगा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर को सही करने के लिए इसका विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों ने अपनी शेयर कॉपी में ये सभी क्वेश्चन नहीं करे हैं जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन करवा दिए, ये जो रहते हैं अभी ये सभी क्वेश्चन आपके शेयर कॉपी में होना चाहिए। अगर आपने अपने शेयर कॉपी में इसे नहीं सोल्व करा है तो ये मान के चलो कि फिर आपके लिए मुश्किल होगा, मिस्टेक कर सकते हो आप। शेयर कॉपी में पहले नोट करना है जिन्होंने नहीं करा है, जिन्होंने पहले से ही करे हुए हैं वे प्रैक्टिस करेंगे इनकी एक्सरसाइज के विषम की और साथ में एग्जाम्पल के विषम की, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों आपने सॉल्व करना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उससे जब कॉपी में करना है तभी आपके जो पेपर होगा उसमें अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके आपके अच्छे मार्क्स आए तो प्रैक्टिस मस्ट बी कंपल्सरी, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस है। जिन्होंने क्लियर कॉपी में नहीं करे हैं पहले तो क्लियर कॉपी में पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे इस मेथड से, और फिर दोबारा उन्हें क्या करना है रफ कॉपी में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, तभी आपका रिवीजन अच्छा हो सकता है। अन्यथा आपका रिवीजन सही तरह से नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिवीजन सही हो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह होती रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं। तो ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स वाला चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट जो हम करेंगे चैप्टर थ्री करेंगे। चैप्टर थ्री से शुरुआती है फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो बाकी जो आपके जो सम है सभी ने प्रैक्टिस करना जरूरी है, जो यहाँ पे हमने रिवीजन करवा रहे हैं इससे पहले ये सभी क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो आपको भी अच्छी तरह रिवीजन करना है, प्रैक्टिस भी अच्छी तरह करनी है, एक भी सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका, सभी लाइट होनी चाहिए, कोशिश करोगे राइट जरूर हो मिस्टेक नहीं हो, अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि जो भी सम आपको दिया जाए तो ठीक दिया गया करने के लिए इसे राइट करना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इस तरह एक्सरसाइज 2.7 आपका कंप्लीट हो गया, इट मीन्स सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड चैप्टर में फ्रैक्शंस के भी सम हो गए, डेसिमल्स के भी हो गए, अब इसमें कुछ नहीं रह गया, अब आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करना है।